हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ गाइस आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल द वॉल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। और आज का ड्रैगन हंटर का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे हो गए चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप लोग को गाइस आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, आर्क असेंडेड, माइनक्राफ्ट वगैरह के सर्वर बनाने, यार नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चलो गाइस आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है यार ड्रैगन हंटर का, वो करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। और मचियाराल द वर्ल्ड तब आई ना मेरे भाई। तो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोग ने फाइनली अकाटी किंग, अकाटी जो वुल्फ है हमारा, उसको टेम करने का काम करा था, जिससे हम लोग ने कुछ बॉसेस को मारने की कोशिश करी थी। बट अपना ये किंग अकाटी आत हुई भाई, एक बॉस फाइट में इसका स्टैमिना खत्म हो गया, दूसरी बॉस फाइट में इसका खुद का भाई क्लोन था, इसलिए उसके ऊपर डैमेज नहीं बढ़ रहा था स्पेशल अटैक का। सो इसने किसी बॉस को तो नहीं मारा, लेकिन फिर भी भाई हमारा किंग अकाटी वुल्फ काफी ज्यादा कूल है। तो गाइस अभी आज हम क्या करने वाले, सो मैक्सिमम जो भी पावरफुल डायनोस थे वो हम लोग पहले भाई पकड़ चुके हैं यहाँ पे। सो अभी टाइम आ चुका है जो बॉसेस है उन सारे बॉसेस की एक एक करके बैंड बजाने का। सो गाइस अभी हम लोग आने वाले जितने भी एपिसोड है उसमें बॉसेस से फाइट लेंगे और उनकी बैंड बजाने का काम करेंगे। हम लोग ने मैक्सिमम बॉसेस को मार दिया, अभी भाई यहाँ पे बचे हुए हैं फाइव किंग मार दिया, फाइव ड्रैगन में आया आकाश बॉस आज, मतलब आकाश बॉस से फाइट हो गया हमारी। चलो आ जाओ गाइज, आकाश बॉस को गाइज मैंने यहाँ पे अपने पास ले लिया है, इससे लड़ेगा कौन हाई गाइज, आकाश बॉस से लड़ेगा कौन? सार्को के पास वैसे इतनी एबिलिटी है कि इस आकाश बॉस की बैंड बजा सके, क्या बोलते हो गाइज? डोडोरिक से काफी ज्यादा बॉस फाइट ले लिया यार हम लोग ने, तो इसलिए भाई आज हम लोग भाई हमारे एलिगेटर से यहाँ पे ये आकाश बी का जो भी बॉस है उसको मारेंगे। और ये ड्रैगन है ना, एक काम करता हूँ मैं, ब्लू ऑब्लिक पे थोड़ा सा चलता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहीं पे ना ये भाई वहाँ से उड़ने वाला अगर ड्रैगन वगैरह निकला कुछ, तो उड़ के जो ना कहीं हमारे बेस वगैरह पे ना पहुँच जाए, इसलिए थोड़ा सा बेस से दूरी आया हूँ मैं उससे फाइट करने के लिए। और इसको हम लोग हमारे इस क्यूब वाले अटैक से मारेंगे, ठीक है? चलो मैं किंग आकाश को भाई यहाँ पे बुला रहा हूँ, जो कि गाइस एक ड्रैगन बॉस है, और इससे भी यहाँ पे क्या है, तो ड्रैगन दैट डिवियर्स स्टार भाई, डिवोर्स भाई जो भी इसको बोलते हैं भाई, डिवियर मतलब जो कि भाई यहाँ पे नाश्ते की तरह खा जाता है भाई स्टार्स को, ठीक है भाई? चलो अभी यहाँ पे मैं बराबर से इसको स्पॉन कर रहा हूँ। हाँ पता है मैंने भाई उसका जो भाई स्पेल था वो भाई ठीक से करानी है, लेकिन कोई नहीं यार चलता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। चलो लेट्स गो, आ गया गाइस हमारा आकाश, बाप रे भाई डरावना लग रहा रे, अब हम मारेगा क्या? ओए किधर, अबे तेरा ध्यान किधर है भाई? देखो ये हो गया, ये एग्रो सेट गया, इसकी बेस की आंख, अबे काय का एग्रो सेट गया, एग्रो से हटा तो सही ठीक है, वो जो बॉस है वो एग्रो हट गया, लेकिन एग्रो से हटने से पहले उसने एक अटैक चार्ज करा था, सो एग्रो से हटने के बाद भी वो चार्ज वाला अटैक मार के भाई यहाँ पे चला गया, और उस एक अटैक में मेरा एलिगेटर भगवान के पास सीधा गाइस। भाई सच में अभी यार ये बॉस ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन रहे गाइस, भाई एक फटके में उड़ा रहे मेरे भाई डायनोस को, एक फटके में भाई मैं खुश हो गया था गाइस कि वो एग्रो से हट गया है, अभी मैं इजीली उसको मार पाऊंगा। आपने भी देखा होगा कि उसके आजू बाजू जो रेड रेड गाइस यहाँ पे बन के आ रहा था, रेड रेड जब भी वो चमकता है तो मतलब ये एग्रो है, तो मतलब वो हमको मारेगा जब तक वो रेड रेड चमकता है, जैसे वो व्हाइट हो जाएगा मतलब वो अभी हमारे ऊपर एग्रो नहीं है और वो हमको मारेगा नहीं। लेकिन जो अटैक उसने एग्रो हटने से पहले चार्ज करा था वो उसको तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अटैक अभी चार्ज हुआ है, सो वो मार दिया अटैक खाली फोकड़ में मारा गया मैं, फोकड़ में उसने भाई मेरे ऊपर मारा भी नहीं था वो अटैक, वो साइड में कहीं पे लगा था, लेकिन उसकी शॉक वेव मुझे लगी खल्लास, सार को सीधा भगवान के पास भाई, कुछ ज्यादा खतरनाक गई जहाँ पे ना बॉसेस से पंगा हो रहा है, कैसे लग रहा है मुझे तो, हाँ कुछ ज्यादा खतरनाक वाले बॉसेस से पंगा हो रहा है, मैंने ये भाई यहाँ पे उम्मीद नहीं करी थी, मतलब यार ऐसे कुत्ते की मात मारा जाऊंगा वो भी भाई बिना मतलब के भाई, थोड़ा सा भाई मुझे
दुख दर्द पीड़ा तो हो रही है यहाँ पे, क्या करूँ भाई। दोड़ोर एक सिकलोता भाई अपना एक डायनो है जो शायद उसको मार सकता है, शायद, ठीक है, बोल नहीं सकता कंफर्म, या तो जाके खुद मर जाएगा वहां पे डोडोरिक्स। आई डोंट नो, मैं ट्राई करता हूँ, मैं डोडोरिक्स को लेके जा रहा हूँ गाइस ब्लू ऑब्लिक पे, ट्राई करते हम लोग कि उस अकैट या अकैश जो भी बॉस है उससे हम लोग बच जाए और उसको हम लोग मार पाए। ऑलराइट, ट्राई करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। आग भाई, मजाक बना रखा भाई, एक फटके में उड़ा दिया, मैं भाई खुश हो गया था यार एक सेकंड के लिए। लो भाई ये बॉस भी मरा, मैं नहीं हूँ भाई, चीटिंग कर रहा, चीटिंग करता है, एक फटके, अबे बाप, चार्ज कर रहा अपने आप को, शिट, डैम मैन, अबे भाई, लग रहा मेरे दिन भर गए, अबे जल्दी मार इसको, वरना मैं मारा जाऊंगा। चार्ज कर रहा, अरे बाप, अबे ना, अबे बाप, बेड, मेरा डोडोरेक्स, मैं कैसी चोबू किस्मत है मेरी, कैसी चोमू घटिया किस्मत होगी मेरी, मैं डोडोरेक्स से उसके अटैक से भाग भी जा रहा था लेकिन दो पेड़ चमन कहीं के मेरे भाई डोडोरेक्स के बीच में आ गए और खल्लास भाई, चार्ज पे चार्ज अटैक दिए जा रहा भाई वो बॉस, पीस किया, और वो दो पेड़ भाई, और दिमाग घूम रहा है, दो पेड़ों ने बेड़ा कर दिया पूरा, मेरा डोडोरेक्स भी मारा गया यार, अब क्या करूं इसकी, तो मैं हट भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा भी गाइस क्या करे भाई, दो पेड़, मैं मरा किस रीजन से, पेड़ के रीजन से, और पहले भाई क्यों मरा, क्योंकि उसने चार्ज करा था अटैक और उसके भाई मजबूरी थी कि उसको मारना पड़ेगा, सो एग्रो हटने के बावजूद उसने अटैक डाला और मैं मर गया, दोनों टाइम ऐसे फालतू तरीके से मरा हूं ना मैं, अरे भगवान क्या करे, रुको, केकड़ा सिंह लॉन्ग रेंज से मार पाएगा ना, ये केकड़ा सिंह आया कैसे मेरे पास, तो मर गया था ना, अरे केकड़ा सिंह तो मर गया था, जिंदा बच गया था, केकड़ा सिंह मर गया था, जिंदा बच गया था, मेरे को खुद पता नहीं, चलो जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, केकड़ा सिंह जो है गाइस जो शायद से मर गया था, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते हुए मैंने इसको भाई वापस से बुला लिया, इसकी वे इसकी है भाई, हेल्थ फुल कर ली यार इसने, चुई मोए मोए, अरे मरना, अरे लगना अटैक तो लग गया, हाँ अटैक लग गया, मार जल्दी मार जल्दी मार, 10% हेल्थ डाउन, अरे कैसे भाई कैसे, मैं तेरे से 400 किलोमीटर दूर हूँ भाई, अरे बीच की आँख, ये तो फ्लायर को भी उड़ा देगा इसे, मैं फ्लायर भी लेके नहीं जा सकता, ये फ्लायर को भी उड़ा देगा, लेजर भी जरा अटैक, स्टन भी ना अटैक दे रहा है, कैसे भाई, हाउ भाई, 3 डाइनो मारे मेरे, ये वाला तो भाई उसने उतने, देखो मेरा डायनो मरा लेकिन सेम जैसे मेरा डायनो मरा मैं नहीं मरा, वो मे भी शॉक वेव क्रिएट हुई होगी, जिस शॉक वेव में मेरा डायनो मर गया और दूसरी बार मैं आसमान से लेजर गिर रही थी लाइटनिंग उससे मैं मर गया यार, इस बॉस को कैसे मारा जाए। हाँ गाइस, इस बॉस को कैसे मारा जाए, हाँ नीटो काम नहीं आएगा गाइस, नीटो भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्राई करते मैं नीटो लेके जा रहा हूँ, नीटो को लेके जा रहा हूँ, नीटो अगर मारा गया ना तो मैं इसको वापस बुलाऊंगा, पहले बता रहा हूँ गाइस, हाँ भाई इसके ऊपर सैडल लगा हुआ है भाई, रुको यूनिवर्सल सैडल लगाने दो, नीटो मारा गया तो मैं वापस बुलाऊंगा, मेरे जिगर का टुकड़ा है भाई,
मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ये, या अगर मारा गया तो हम वापस बुलाएंगे इसको, वापस रिवाइव कर लेंगे। रुकना मुझे फटाफट यहाँ पे ये जो है गाइस वो करने दो। ओके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, निडो को मैं वापस बुला लूँगा। जा रहा गाइस मैं, इससे मार पा रहा है यार वो बॉस, इतना खतरनाक कैसे हो सकता है यार कोई। अबे जंप जंप मार रहा भाई, एक तो अभी लग रहा है स्टन भाई, मैं क्या बोल रहा था भाई, स्टन दे रहा है। मैं फ्लायर भी लेके आऊंगा तो उसको भी ऐसे स्टन पड़ेगा और वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा सीधा, समझ रहे हो आप? क्या भाई फ्लायर भी वर्क नहीं करेगा इसके अगेंस्ट? कैसे भाई अबे स्टन दे दी, अबे नसीक नहीं आने दे रहा यार, स्टैमिना पूरा ड्रेन कर लिया मेरा। अरे तेरी तो मैं मारूंगा इतना बेटा, पता नहीं कितना गुस्सा मार रहा यार, कतई ज्यादा भाई। चमन बॉस है यार तू, बहुत ज्यादा चमन बॉस है बेटा। अरे बॉस ने तो दिमाग का दही कर रखा है पूरा, पानी के अंदर जाके भी अटैक कर रहा है वो। तो देखो देखो देख रहे हो, देख रहे हो, पानी के अंदर जाके भी अटैक कर रहा है। अभी मैं क्या पानी के अंदर आऊँ क्या नीटो को लेके? लग तो रहेगा इसकी, जाना तो पड़ेगा अगर उसको। लियो वो डिस्पॉन हो गया भाई, हो गया डिस्पॉन गाइस, या फिर और नीचे गया ये मरने के लिए। अरे और नीचे गया, आ मेरी जान इधर आ, चलना आवान दे भाई आवान दे, आन दे नहीं आवाज, आन दे भाई भाई जान दे। अबे कैसे हिलने ही नहीं दे रहा यार, हिलने ही नहीं दे रहा मेरे को, हिलने ही नहीं दे रहा। स्टैमिना गया मेरा, स्टैमिना गया भाई, गया स्टैमिना, बिना स्टैमिना के मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उसके आधे हेल्थ डाउन करी है बट अफसोस बिना स्टैमिना के मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। बताओ गाइस, बताओ भाई अपनी किस्मत कितनी ज़्यादा खराब होगी। एक एक और अटैक नहीं, नहीं कर पा रहा हूँ बिना स्टैमिना के, मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। लियो बेटा लियो 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 भाई, टीपी मार रहा हूँ मैं बेस्ट, बाढ़ में जा भाई, बाढ़ में जा, बाढ़ में जा, बाढ़ में जा भाई, बाढ़ में जा। शायद से नीटो से मैं इसको मार सकता हूँ भाई, चार्ज चार्ज अटैक दिया इसने, मुझे लग रहा है गाइस नीटो बॉस से मैं उसकी बैंड बजा सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ गाइस, रुको लेट मी ट्राई नीटो बॉस से उसको मैं मार सकता हूँ ऐसा लग रहा है। अरे लेकिन मैं अभी जाऊँगा तो वापस से मेरा स्टैमिना ड्रेन ही कर देगा वैसे भी, क्या बोलते हो? अगर मैं अभी स्टैमिना फुल करके भी चला जाता हूँ तो भी वो मेरा स्टैमिना वापस से ड्रेन ही कर देगा गाइस। यहाँ पे मैं लास्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ वापस से, रुको मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर उससे लड़ाई करने के लिए। मैं भी चार्ज वाला अटैक वगैरह पानी के अंदर वर्क ना करे। अरे पागल इधर, मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है गाइस। बेटा इसने खुद के पैर भाई, स्टैमिना खत्म यार, नीटो की बैंड बजा दी। अरे भाई इसकी आगे कितना पावरफुल बॉस है यार, भाई नीटो की बैंड बजा दी इसने लिटरली, ये कितना पावरफुल बॉस हो सकता है भाई? नीटो ऐसा डायनो है जो दूसरों को एक एक फटके में उड़ाता है, इसने उस नीटो को एक फटके में उड़ाया है, मजाक बना रखा भाई। कैसे भाई, मैं भाई वापस से बुला रहा हूँ नीटो को, मैंने बोला था पहले गाइस नीटो वापस आएगा अपना। इधर आजा मेरी जान, इधर आजा, सॉरी भाई तेरे को उसके हाथों मरवाना पड़ा मुझे। कैसे लेकिन गाइस उसको मैं मारूँ कैसे? अभी वो पानी में गया है तो हम लोग भाई फ्लायर लेके वैसे भी जा नहीं सकते वहाँ पे, और मेरा फ्लायर अगर मैं कोई लेके जाऊँ तो उसके मरने के भी 100% चांसेस है, क्योंकि वो पे हवा में से उसको स्टन दे के ज़मीन पर गिराएगा। गाइस कुछ आइडिया है? 1000 IQ वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अगेंस्ट? मैं एक चीज़ और ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ ना मैं अगले एपिसोड में ट्राई करूँगा। ओके अगले एपिसोड में कैसे हम लोग ये चीज़ ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी वो पानी के अंदर गया है तो मुझे एक नया बॉस बनाना पड़ेगा, और बॉस से मैं अपने पास एबिस वाले कौन से फ्लायर्स है, फ्लायर्स एबिस वाले, ड्रैगन, ड्रैगन मर गया तो नहीं, वाइड वाइवरन सबसे पावरफुल है, अगर जल्दी किसी को मारना है सो वाइड वाइवरन से काम चलाना पड़ेगा। बट वाइड वाइवरन के पास इतनी पावर है क्या? वाइड वाइवरन के पास लॉन्ग रेंज वाला कोई अटैक है ब्रो? इसके पास कोई लॉन्ग रेंज वाला अटैक है, वाइड अटैक है?
आसमान से करने वाला इसके पास कोई अटैक नहीं है, ये अटैक है जो स्टन देता है बस खाली। ये स्टन देने का काम करता है जिसका 20,000 का डैमेज है। मेरे पास ऐसा कोई फ्लायर भी नहीं है जिससे मैं उसको मार सकूं। मुझे कहीं देख एबिस वाला, एक मिनट रुक जाओ, कैन आई टेम एबिस? क्या यहाँ पे मैप पे एबिस वाला एक और वाइब्रन होता है स्पॉन हुआ है? एक वाइब्रन होता है एलिमेंटल वाइब्रन, एलिमेंटल वाइब्रन एबिस। एलिमेंटल वाइब्रन के पास होती है फायर, आइस, पॉइजन और लाइटनिंग, चारों एबिलिटीज। सो ये वाइब्रन अगर हम लोग टेम कर ले अगले एपिसोड में तो शायद शायद हम लोग इससे उस बॉस को मार पाए। अगर वो बॉस मेरे वाइब्रन को स्टन ना दे और नीचे ना गिराए तभी मैं उस बॉस को मार पाऊंगा फ्लायर से। अगर वो फ्लायर को भी आसमान में स्टन दे के नीचे गिराता है तो फिर गए हम लोग, फिर कोई भाई चॉइस ही नहीं बचती, कोई चांस ही नहीं है उस बॉस के अगेंस्ट टिकने का। ग्राउंड वाले भाई डायनो कोई भी लेके जाओ वैसे भाई मरे जा रहे हैं। फ्लायर इकलौती उम्मीद है हमारी और हम लोग को भाई उस एलिमेंटल वाइब्रन को डेम करना पड़ेगा। देखते हैं उसकी मदद से। अभी आप बोलोगे ग्रिफिन को लेके जाओ, इकलौता ग्रिफिन है भाई, उसको क्यों मरवाने के पीछे पड़े हो? अगर ये वर्क नहीं करा हमारा, लाइटिंग वाइब्रन भी मारा गया तो ग्रिफिन की भी बलि चढ़ा देंगे। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड ना। कितने डायनो? 4 डायनो मरवाए यार आज मैंने, एक सार्को, एक डोडोरेक्स, एक नीटो और एक अपना कार्किनोज। भाई 4 डायनो मरवाए मैंने आज यार, मजाक हो रहा है क्या? अरे भाई चलो आज के लिए बहुत नुकसान हो गया गाइस। चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ज्यादा से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। बैंड बजी पड़ी हमारी। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.